कैसी दया या ऊपर वाली फर्स्ट वाली या है पुरस्कार वितरण कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित प्रबंध निदेशक NHDC श्री राजीव जैन जी, मुख्य महाप्रबंधक श्री अशोक कुमार जी, प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगी गण एवं पदाधिकारी गण, निर्णायक गण, उपस्थित महानुभावों एवं भाइयों बहनों, कई पेरेंट्स भी आए होंगे, सभी माता पिता, प्यारे बच्चों, मीडिया के मित्रों, राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता में जब भी मेरे को आना हुआ तो नीचे आपने जो कला करी है पहले मैंने देखा, ग्रुप वन का भी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ग्रुप टू का भी फर्स्ट सेकंड थ्री, वो सब को मैंने, बाकी को नहीं देखा है ना, सब पिक्चर तो सभी मैंने देखा। छोटे छोटे बच्चे के दिमाग में ऊर्जा के बचाव के लिए, ऊर्जा संरक्षण के लिए अपने मन में जो विचार पड़े हुए हैं, वो आपने बहुत दिल से, एकाग्रता से, वो हाथ की कमाल से बहुत अच्छा चित्र बनाया। मैं समझता हूं यहाँ आने वाले सभी लोग एक बार वहां देख के जाए, मालूम पड़ेगा कि बच्चे के दिमाग में ऊर्जा बचाने के लिए क्या क्या उनमें मटेरियल पड़ा है दिमाग में। वो जब भी आप देखेंगे तो हर एक बच्चे एक विचार के नहीं होते, अलग अलग प्रकार के विचार उनके मन में आते हैं और वो चित्र में प्रदर्शित करते हैं। समारोह में उपस्थित NHDC के अधिकारी गण, निर्णायक मंडल के सदस्य, प्रतिभागी बच्चे, अभिभावकों और महानुभावों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कला के क्षेत्र में कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। हमारी अगली निर्णायक श्रीमती अपर्णा अनिल को आमंत्रित करना चाहूंगी, जो शासकीय सरोजनी नायडू कन्या महाविद्यालय भोपाल में फाइन आर्ट्स की प्राध्यापक है। तालियों की गड़गड़ाहट
बच्चे ग्रुप ए के राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान प्राप्त किया है मुकुल जोशी इंदौर से। जागरूकता बढ़ाने के लिए विद्युत मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर यह अभियान पिछले 19 वर्षों से चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में इस राष्ट्रीय अभियान के तहत राज्य स्तरीय बाल चित्रकला प्रतियोगिता के आयोजन के लिए NSDC नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। विद्युत मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहित करना है। आज हम ऊर्जा की जितनी बचत करेंगे वह आने वाले कल के लिए उतनी ही लाभप्रद होगी। ऊर्जा की बचत करना लगभग 2 गुना ऊर्जा उत्पादन के बराबर है। चित्रकला प्रतियोगिता द्वारा ऊर्जा संरक्षण पर जागरूकता अभियान पूरे देश में आयोजित किया गया है। मध्य प्रदेश में यह प्रतियोगिता स्कूलों में 2 श्रेणियों में आयोजित की गई है जिसमें लगभग 30,000 बच्चों ने भाग लिया है। कैटेगरी ए कक्षा 5, 6 व 7 के विद्यार्थियों के लिए है और कैटेगरी बी कक्षा 8, 9, 10 के विद्यार्थियों के लिए है। प्रत्येक कैटेगरी में से 13 उत्कृष्ट पेंटिंग्स बनाने वाले तत्वों के माता पिता आज इस सभागार में उपस्थित हैं। ऊर्जा संरक्षण पर आधारित विषयों पर पेंटिंग्स बनाने वाले इस राज्य स्तर के चयनित विजेताओं में प्रत्येक श्रेणी से प्रथम आने वाले को 50,000 रुपये, द्वितीय को 30,000, तृतीय को 20,000 तथा 10 प्रतिभागियों को 7,500 रुपये सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त बच्चों व उनके पालकों को आने जाने के लिए AC श्रेणी का किराया भी प्रदान किया जाएगा। श्रेणी ए व बी के प्रथम 3 विजेता बच्चे ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भी भाग लेंगे। नई दिल्ली में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभागिता में भारत के समस्त राज्यों से चयनित बच्चे सम्मिलित होंगे तथा उनमें से प्रत्येक कैटेगरी के प्रथम आने वाले बच्चे को 1,00,000 रुपये, द्वितीय को 50,000, तृतीय को 30,000 तथा 10 बच्चों को 15,000 सांत्वना पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे। मैं एक बार पुनः माननीय राज्यपाल महोदय का इस समारोह में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राज्यपाल मध्य प्रदेश मंशा सिंह, मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन श्री अशोक कुमार जी, मध्य प्रदेश शासन तथा NSDC के अधिकारीगण, निर्णायक मंडल के सदस्यगण, प्रतिभागी बच्चे एवं उनके माता पिता तथा उपस्थित प्रेस व मीडिया से पधारे पत्रकार, सर्वप्रथम मैं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल महोदय का NSDC द्वारा आयोजित इस चित्रकला प्रतियोगिता पुरस्कार समारोह में सादर अभिनंदन करता हूं। आपकी उपस्थिति से NSDC परिवार हर्षित है। महोदय ने इस कार्यक्रम में पधारकर अपना जो स्नेह NSDC व इस कार्यक्रम में सम्मिलित बच्चों व उनके परिवारजनों को दिया है उसके लिए हम सभी आभारी हैं। आप निदेशक महोदय का पौधा फेर कर शॉल से स्वागत करें। जो शुभ करता है, कल्याण करता है, आरोग्य रखता है, धन संपदा देता है और शत्रु की बुद्धि का विनाश करता है, ऐसे दीप की रोशनी को मैं नमन करती हूँ। लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार एवं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी द्वारा
ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देने और ऊर्जा संरक्षण हेतु बच्चों में जागरूकता के लिए राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। मध्य प्रदेश राज्य में इस प्रतियोगिता का आयोजन एनएजीसी लिमिटेड द्वारा विगत कई वर्षों से किया जा रहा है। यह प्रतियोगिता दो श्रेणियों में की जाती है, जिसमें ग्रुप ए श्रेणी में 5वीं से 7वीं कक्षा के छात्र व ग्रुप बी श्रेणी में 8वीं से 10वीं कक्षा के छात्र भाग लेते हैं। और इन दो श्रेणियों में जिन छात्रों को पहला, दूसरा और एवं तीसरा स्थान प्राप्त होता है, उन्हें मध्य प्रदेश के प्रतिनिधित्व हेतु राष्ट्रीय स्तर पर चित्रकला प्रतियोगिता में भेजा जाता है। हमारे द्वारा जो इस राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन इतने वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है, इसमें हमें माननीय राज्यपाल महोदय का स्नेहाशीष मिलता रहा है। हम अपने आप को उनके आशीर्वाद से धन्य महसूस करते हैं। महोदय, हम आपको अपने बीच पाकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं। अभिभावक, महिलाएं एवं साथीगण, आप सभी का एनएजीसी लिमिटेड द्वारा आयोजित राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में मैं हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। पवित्र भाव से खुशी के दीप बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। चित्रकला के माध्यम से बच्चे अपने सपनों को उड़ान देते हैं। इन नन्हे कलाकारों ने अपनी नन्ही नन्ही उंगलियों से ऊर्जा के संरक्षण के उपायों को अपनी चित्रकला के माध्यम से उनको प्रोवाइड किए गए एक व्हाइट पेपर के ऊपर रेखांकित कर परिलक्षित किया है, जिनके लिए वे पहले राज्य स्तर पर, जो आज उन्होंने पार्टिसिपेट करके उसमें आगे आज राज्य स्तर के लिए उन्होंने पहले अक्वायर किया और उनके गुरु तथा माता पिताओं के लिए। माननीय राज्यपाल महोदय का 4 बजे तक आगमन का समय है, कृपया आप ध्यान में रहें। जब वो हॉल में पधारे तो आप अपने अपने स्थान पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें और जैसे ही वे मंच पे पहुंचते हैं वैसे ही राष्ट्रगान प्रारंभ किया जाएगा। आप अपने स्थान पर खड़े रहेंगे तब तो उस वक्त पे राष्ट्रगान गाएं। आज के दिन 14 नवंबर हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती मनाई जाती है। उन्हें बच्चे बहुत प्यारे थे, इसलिए आज इसे बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चे मन के सच्चे, सारी जग की आंख के तारे, ये वो नन्हे फूल है जो भगवान को रखते प्यारे। बचपन जीवन का सबसे सुंदर और मासूम समय होता है, जब कोई चिंता नहीं होती और सपनों का आकाश बहुत बड़ा होता है। इस उम्र में मिलने वाला प्यार और मार्गदर्शन बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाने की नींव रखता है। बचपन जो सिखा जाता है उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। मैं ये खासकर आप अभिभावकों को बताना चाहती हूँ, कृपया ध्यान से सुने। बचपन जो सिखा जाता है उसका प्रभाव जीवन भर रहता है। इस उम्र में अच्छे संस्कार, आदर्श और अनुशासन बच्चों में विकसित करने से वे एक मजबूत और जिम्मेदार नागरिक बनते हैं, जो समाज में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं। बच्चे देश का भविष्य है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, प्यार, सुरक्षा और खुशहाल जीवन मिले। तो बच्चों, अपने अधिकारों के साथ आप अपने जिम्मेदारियों का भी एहसास जरूर रखें। हर सपने को अपनी सांसों में रखो, हर सपनों को अपनी सांसों में रखो, हर मंजिल को अपनी बाहों में रखो। हर जीत अपनी है ए दोस्त। एनएजीसी लिमिटेड द्वारा विगत कई वर्षों से इस राज्य स्तरीय चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन सफलतापूर्वक करते आ रहे हैं। साथियों, इस चित्रकला प्रतियोगिता के पुरस्कार वितरण समारोह में आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में माननीय राज्यपाल महोदय श्री मंगूभाई पटेल उपस्थित रहेंगे।
उनके कार्यक्रम में शामिल होने से पूर्व आप सभी को मैं कार्यक्रम की रूपरेखा से अवगत कराना चाहूंगी। सर्वप्रथम राज्यपाल महोदय के हॉल में प्रवेश करने पर आप सभी से अनुरोध है कि कृपया तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। चूंकि राज्यपाल महोदय के मंच पर आने के तुरंत बाद राष्ट्रगान प्रारंभ होगा, अतः आप सभी से आग्रह है कि सावधान की मुद्रा में रहें और जैसे ही वे अपनी कुर्सी पर पहुंचते हैं आप सभी मिलकर राष्ट्रगान गाएं। उसके उपरांत दीप प्रज्वलन व मुख्य अतिथि का स्वागत किया जाएगा। उसके पश्चात प्रबंध निदेशक NATC श्री राजीव जैन द्वारा स्वागत उद्बोधन दिया जाएगा। तत्पश्चात ग्रुप ए व ग्रुप बी के पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद हमारे निर्णायक गणों को स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। इसके उपरांत राज्यपाल महोदय के आशीर्वचन, इसके बाद उन्हें NATC की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया जाएगा। अंत में मुख्य महाप्रबंधक मानव संसाधन NATC लिमिटेड श्री अशोक कुमार द्वारा धन्यवाद ज्ञापन दिया जाएगा एवं पुनः अंत राष्ट्रगान से इस कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया कार्यक्रम के दौरान अपने मोबाइल फोन स्विच्ड ऑफ अथवा साइलेंट मोड में रखें, जिससे कार्यक्रम की निरंतरता में कोई बाधा न उत्पन्न हो सके। साथ ही अनुरोध है कि कार्यक्रम के समाप्त होने पर एक बार पुनः आप सभी राष्ट्रगान के समय सावधान की मुद्रा में खड़े रहें व राष्ट्रगान के उपरांत राज्यपाल महोदय के कार्यक्रम से प्रस्थान करने तक अपने ही स्थान पर खड़े रहें। राज्यपाल महोदय के प्रस्थान उपरांत आप सभी लाइन में रहकर कृपया प्रस्थान द्वार की तरफ बढ़े। धन्यवाद।
अध्यक्ष बन गया उन्हीं का मतलब कर सकते हैं।
सारे पेरेंट्स आप प्लीज नीचे शिफ्ट हो जाए, बच्चों के ऊपर रजिस्ट्रेशन नंबर पर ही बताना शायद साइड में।